वेदव्यास का जन्म समय माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक महान शिष्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है महाभारत की। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को लेकर जंगल में से जा रहे थे। वहीं एक कुत्ता उनके सामने से आया और जोर से भौंकने लगा। उतने में पीछे से लगातार 7 तीर आए और सीधा कुत्ते के मुंह में चले गए। कुत्ते का मुंह बंद हो गया। सबको आश्चर्य हुआ कि किसने तीर चलाए। गुरु द्रोणाचार्य जब कुत्ते के पास गए और उसके मुंह से तीर निकालने लगे तो उनको समझ आया कि तीर बड़ी ही कुशलतापूर्वक चलाए गए हैं, क्योंकि कुत्ते के मुंह में कहीं भी हानि नहीं हुई थी। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी एक युवक आया और गुरु को प्रणाम करने लगा। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुमने यह तीर चलाया है? उसने कहा, गुरुजी, मेरा नाम एकलव्य है और मेरे पिताजी का नाम हिरण्यधनु है। एक बार मेरे पिताजी मुझे आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाए थे, लेकिन आपके पास समय न होने के कारण आपने इनकार कर दिया। मैं बहुत उदास हो गया था। मैंने तब यह फैसला किया, शिक्षा तो मैं आपसे ही लूंगा, इसलिए जंगल में मैंने एक मूर्ति बनाई और एक पेड़ के नीचे रख दी और मैंने आप ही के सामने अभ्यास शुरू किया। बहुत कठिन परिश्रम के बाद मैं इस धनुर्विद्या में पारंगत हुआ हूँ। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, अगर हमें चलना है उस राह पर तो रास्ता में ही जाता है, अगर हम परिश्रम करते रहें।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। Happy Guru Purnima to all my respected sisters and teachers.